सितारगंज के बरुआ बाग सिलकुट क्षेत्र में कल पिता पुत्र की सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने सिलकुट सिसोना में आज रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि सितारगंज के सिलकुट क्षेत्र में 5 स्टोन क्रेशर हैं, जिसके चलते रोड पर भारी खनन वाहन चलते हैं और रोड हादसा होना आम बात हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से भी मांग की है कि सिलगुड़ रोड के गड्ढे भरे जाएं और कोई दूसरा वैकल्पिक रोड बनाया जाए, जिससे स्टोन क्रेशर से भरकर चलने वाले भारी वाहन निकल सकें और हादसे में कमी आ सके। इसको लेकर क्षेत्र के ग्राम प्रधान कुलदीप सिंह कम्बोज के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी सितारगंज, तहसीलदार सितारगंज, कोतवाली सितारगंज, PWD विभाग, सिलगुड़ एसोसिएशन तथा स्टोन क्रेशर मालिकों को नोटिस देकर कल मंगलवार को एक सार्वजनिक बैठक बुलाई है। जो आए दिन हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल ना होने से और वैकल्पिक मार्ग ना होने से, जैसे वैकल्पिक मार्ग होगा तो कुछ ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो हादसे हो रहे हैं उनके विषय में हमने कल एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्र की जनता और संबंधित जितने विभाग हैं, जैसे सिटी एसोसिएशन हो गया और लोक निर्माण विभाग, इन सबको हमने सूचना दी है कि और सारे स्टोन के सब स्वामियों से भी हमने एक नोटिस भेजा है कि आप लोग सब लोग बैठ के इसका कोई उचित विकल्प निकाला जाए, जिससे जनता की समस्याओं का निवारण हो सके। ये जो आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिनमें आए दिन मौतें होती जा रही हैं, इससे जो है जनता को मन में एक भय बैठ गया है। भय को दूर करने के लिए हमने एक उचित रास्ता निकाला है कि हम लोग बैठ के जो है जनता की सारी समस्याओं का निवारण, पुलिस प्रशासन को भी इन्वॉल्व किया है, तहसील प्रशासन को भी लिया है, सिटकुल एसोसिएशन को भी हमने भेजा है और लोक निर्माण विभाग को भी सूचना दी है, ग्राम पंचायत को भी इसमें इन्वॉल्व किया है और सारे स्टोन क्रेशर स्वामियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया है।